ओम शांति। हमारा जन्म महान कार्यों के लिए ही हुआ है। हम इस धरा पर भगवान के साथ अवतरित हुए हैं। अगर हमें ये स्मृति रहे कि हम भी अवतार हैं, तो हम अपने महान कार्यों की स्मृति में रहेंगे। एक शिव बाबा अवतार लेकर युग को बदल देता है। हम सभी आत्माएं, हम महान आत्माएं, चुनी हुई आत्माएं, जो इस गुड फीलिंग में रहती हैं कि मैं अवतार हूँ, मैं इस देह में अवतरित हुई आत्मा हूँ और मैं इस संसार में पवित्रता, सुख, शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए ही आई हूँ, तो हम भी बहुत बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे। हमारे द्वारा भी बड़े बड़े चमत्कार होंगे। युग परिवर्तन के कार्य में हम भी बहुत बड़े सहयोगी बनेंगे। जिनको महान कार्य करने हैं, उन्हें निमित्त भाव धारण करना ही होगा। अहम भाव तनिक भी ना आए, क्योंकि अहम भाव बाबा और हमारे बीच में एक दीवार बना देता है। बाबा की शक्तियां हमें नहीं मिल पाती और जो महान कार्य वो हमसे कराना चाहता है वो भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं पन को एक बहुत बड़ा विघ्न मानकर इसको समाप्त कर देना चाहिए। बहुत सुंदर कहानी पांडवों की है। अंत आ गया, पांडवों के स्वर्ग आरोहण से पहले की घटना है कि युधिष्ठिर को महसूस होने लगा, मेरी धर्म की शक्ति, न्याय की शक्ति, जो उसके पास सब कुछ था, वो है नहीं अब। भीम को महसूस होने लगा, मेरा बल पता नहीं कहाँ चला गया। उधर रास्ते में अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। युधिष्ठिर ने दूत को दौड़ाया कि जाओ श्री कृष्ण को जल्दी बुला कर लाओ, कुछ अपशगुन हो रहे हैं। युधिष्ठिर दूत तेज घोड़े पर गया, बहुत जल्दी ही कुछ ही दिन में वापिस लौट आया इस समाचार के साथ कि श्री कृष्ण नहीं रहे, वो ब्रह्मलोक चले गए। और ये बात सुनते ही पांडवों को महसूस हुआ कि तुम्हारे साथ जो शक्तियां काम कर रही थी वे तुम्हारी नहीं थी, वे ईश्वरीय शक्तियां थी। जब तक वे तुम्हारे साथ थी तुम महावीर थे, तुम महाबली थे, तुम धर्मराज थे, तुम श्रेष्ठ धनुर्धारी थे। अब वे शक्तियां चली गई तो तुम खाली हो। तब उन्होंने भी निर्णय लिया कि हमें भी स्वर्ग की ओर चलना चाहिए। बस यही बात हम सबके साथ है। बाबा ने आकर हमें अपनी शक्तियां प्रदान कर दी हैं। उनकी शक्तियों के द्वारा ही, उसके बल से ही हम बाबा का ये महान कार्य संपन्न कर रहे हैं। जिस दिन वो अपनी शक्तियों को हमसे हटा ले, उसी दिन हमें लगेगा कि हम तो बिल्कुल खाली हैं। इसलिए मैंपन का कहीं भी स्थान नहीं है, क्योंकि मैंपन आते ही उसकी शक्तियां हमसे अलग हो जाती हैं, उसकी दुआएं, उसके वरदान हमसे अलग हो जाते हैं और हम पाएंगे स्वयं को खाली, अकेला। इसलिए बहुत ध्यान दें, निमित्त भाव ही धारण करना है। निमित्त, निर्माण और निर्मल, इसी से हम इस महान दिव्य कार्य में मुख्य भूमिका निभा सकेंगे और संसार को बहुत कुछ देकर श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बन जाएंगे। तो आज सारा दिन हम याद करेंगे, मेरे साथ स्वयं परमात्म शक्तियां काम कर रही हैं। मैं इसलिए बहुत शक्तिशाली हूँ कि उनकी शक्तियां मुझसे कंबाइंड हैं।
बस हम अपने इस कंबाइंड स्वरूप को स्मृति में रखेंगे और फील करेंगे कि सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, उसकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। तो हर घंटे इस अभ्यास को, इस स्मृति को चालू रखेंगे। ओम शांति।